नमस्कार। आज हम हैं पंगोट से करीब 6-7 किलोमीटर आगे एक ऐसे हिल स्टेशन पर जहां पर हम देखेंगे इस भीषण गर्मी में, दिल्ली से अगर हम तुलना करें तो यहाँ के वातावरण में आप पीछे देख सकते हैं ओस गिरते हुए, जो कि काफी मुश्किल होता है इस समय आपको कल्पना कर पाना। लेकिन हम जिस जगह पर हैं वहां पर ओस की आवरण के भीतर हम हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है जो सामान्य तौर पर दिल्ली में 500 के आसपास हो जाती है, यहाँ पर 50 से भी कम 35 एयर क्वालिटी इंडेक्स के बीच हम जी रहे हैं। शायद यहाँ के लोकल लोगों को जीने का जो अवसर मिल रहा है वो कितनी बड़ी ईश्वर की एक आशीर्वाद के तौर पर होगा कि उन्हें इतनी स्वस्थ और सुंदर हवा का आनंद लेने का मौका मिलता है। हम 1-2 दिनों के लिए ही सही उस आनंद को महसूस करने के लिए इस जगह पर आए हुए हैं और हम यहाँ पर चलेंगे, लोकल गांव को देखेंगे, गांव का जीवन कैसा होता है, खेतों को समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हम उस हिल पॉइंट पर चलने की कोशिश करेंगे। सुबह के समय ये जो कोहरा है वो नहीं होगा, तो सुबह के समय हमें उस कोहरा को ऐसा यहाँ का वातावरण होता है कि सुबह आपको कोहरा नहीं मिलता है। तो हम एक ट्रैक करके एक ऐसी जगह पर जाने की कोशिश करेंगे जहां पर इस हिमालयन रेंज के हम पीक पॉइंट को टच करने की कोशिश करेंगे, प्रकृति के पूरी तरह बीच में, जहां पर प्रकृति इंसान के बीच में एक ऐसा बैलेंस है जिसको कोई किसी को छेड़ता नहीं है, इसीलिए यहाँ पर लोग बीमार भी नहीं पड़ते हैं। चलिए देखते हैं उत्तराखंड को हमारी नजरों से। यहाँ पर प्रकृति ने कितनी सारी उपहार दे रखे हैं उसको देखने का हमें अवसर मिल रहा है। हमारे दोस्त कार्तिक जो यहाँ के लोकल हैं वो दिखा रहे थे, वो बता रहे थे कि ये बांस की छोटी प्रजाति है और ये इस तरीके की प्रजाति है जिससे टोकरियां बनाई जाती है। इंसानों ने प्रकृति के साथ ऐसा एक बैलेंस बना करके यहाँ जीवन को जिया है जो कि अपने आप में अद्भुत है। इसीलिए मैंने कोशिश किया कि मैं नैनीताल न जा करके, नैनीताल से बगल में ये पंगोट एक जगह है, पंगोट से थोड़ी से आगे हम आगे की ओर बढ़ रहे थे तो 7-8 किलोमीटर की दूरी पर ये एक छोटा सा जगह है जहां पर हमें एक कॉटेज मिला, हम वहां रुके हुए हैं। और सबसे शानदार बात यह है कि यहाँ पर पुराने पुराने पेड़, पुराने पुराने माहौल और उनके बीच में इंसानों के जीने का जो तरीका है वो बहुत ही अद्भुत है, उसको करीब से जीने का हमें यहाँ पर अवसर मिल रहा है। हमारे साथी कार्तिक ने बताया कि यहाँ पर तमाम ऐसे पेड़ हैं जिनके औषधीय गुणों के बारे में जानकारी रखते हुए यहाँ के जो सामान्य लोग हैं अपनी बीमारियों को ठीक करते हैं। मैं डॉक्टर हूं, मैं जानता हूं कि इस तरीके की जो समझ है वो हजारों सालों के इंसान और वनस्पतियों, प्लांट्स के बीच का एक ऐसा सामंजस्य है जो कहीं और देखने को नहीं मिल सकता है। इस प्लांट्स की ये जो तने हैं, इसकी जो छाल है उसको पानी में उबाल करके लोग अपने मोच के जगह पर इस्तेमाल करते हैं, 2-3 दिन में मोच ठीक हो जाता है। ऐसे बहुत सारे प्लांट्स के बारे में हमारे साथी कार्तिक ने बताया और इसे देखना हो, समझना हो तो आप जरूर आए उत्तराखंड को, इसी तरीके से विजिट करें, प्रकृति की गोद में आए। और एक खास बात यह है कि यहाँ पर लोकल लोगों के लिए डॉक्टरी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, जरूरत भी नहीं, क्योंकि एक तो इतना इंटीरियर में आकर के ये फैसिलिटीज अवेलेबल करा पाना थोड़ा मुश्किल होता है और लोगों ने अपने जीवन को जीने के लिए इसी तरीके से प्रकृति के साथ तालमेल बिठा ही लिया। एक और बड़ी खास बात मैं आपको बताऊं कि न सिर्फ यहाँ पर इस तरीके के प्लांट्स हैं बल्कि इस जगहों पर सरकार की तमाम अच्छी शुरुआत भी रखी गई, ये बर्ड्स के लिए बहुत ही स्वर्ग जैसी जगह है। तो यहाँ पर मोबाइल टावर्स भी प्रतिबंधित हैं, यानी पूरी तरीके से प्रकृति की गोद में ये जगह है और हम प्रकृति के औषधीय गुणों को भी यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये है यहाँ का प्यारा सा घर और ये तो नीचे स्टोर के लिए है, ऊपर वो किचन है ना, ऊपर किचन है और इस तरीके से लोग यहाँ पर रहते हैं, शानदार, अद्भुत। और गर्मी में कोई सोच सकता है क्या जून में इतना सारा ओस और फॉग के बीच में हमें इस गांव को देखने का अवसर मिल रहा है। शानदार, शहरों की भीड़भाड़ से दूर सभी को सुकून के लिए ऐसे जगहों पर जरूर आना चाहिए।